ये देखें बारिश काफ़ी आ चुकी है। ये देखें और ये देखें छत की सूरत हाल। मैं सबसे ऊपर आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखें और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं जी शुरू, तो तकरीबन 10 से 10:30 का टाइम हो रहा है। तो कल भी व्लॉग नहीं बना पाया हूँ, तो उसकी वजह यह थी कि कल मेरा पहला पेपर था, तो टेंशन भी काफ़ी थी। तो उस टेंशन में मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्यों पहले पेपर में काफ़ी टेंशन होती है। तो पहला पेपर गुजर चुका है, तो पेपरों के दौरान तो मेरा व्लॉग कुछ ऐसा ही आया करेगा, कभी आ गया कभी एक दिन ना आया, एक दो ना गए होंगे, ज़्यादा नहीं मैं करने दूंगा। तो मेरा भी दिल नहीं लगता है व्लॉग बनाए बगैर, क्यों आप दोस्तों के साथ बात शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह पेपर काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है आज का भी, और कल का ज़बरदस्त नहीं कह सकते हैं, कुछ नॉर्मल हुआ है। क्यों 3-4 माह जो हम घर में बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आती है करना क्या है। तो बस हो रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जो किस्मत में हुआ वो तो होगा। तो अभी मैंने कुछ कपड़े प्रेस करने हैं जुमे के पहने हुए हैं। ये मैंने पिछली बार आप दोस्तों को दिखाया था, देखने इस बार मामू जी के पिंजरे खाली पड़े हैं, सिर्फ एक जोड़ा ये है। और ये देखें ऐसे ये मरते जा रहे हैं, एक ये मरा पड़ा है, कल का मरा है, अभी तक मैंने बताया नहीं है मम्मू को। और गर्मी काफ़ी है, ये गर्मी में रहते नहीं हैं। और उसके बाद ये देखें ये भी अंडों पे बैठा हुआ है जोड़ा। और उसके बाद ये बहुत कम रह गया, ये चिड़ियाँ भी कम हो गई हैं। और इधर से ये भी 2-3 जोड़े बैठे हैं। और दूसरी तरफ ये कबूतर हैं, ये देखें ये भी कम हो गए हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम हो चुके हैं। पहले तो 3-4 जोड़े थे, लेकिन अब ये सिर्फ 2 जोड़े हैं बमुश्किल। एक ये नीचे है, एक ये ऊपर है, मुल्तानी कह रहे थे मामू पिछले दिनों। ये देखें ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे यही लगता है। कपड़े प्रेस करते हैं, नीचे जा रहा हूँ और देखते हैं कौन से करने हैं, अभी ये भी डिसाइड करना है। तो लीड का इस्तेमाल करेंगे, सूच थोड़ा सा ज़्यादा दूर है और इस साइड पे पड़ा है, तो अभी लगाते हैं। और ये कपड़े इसी करूँगा खुद ही, सबसे कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है कपड़े इसी करने का, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्यों शुरू से खुद ही करता हूँ और अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, और मैंने कभी भी इसको मुश्किल नहीं लिया है। और अपना काम मैं कभी भी मुश्किल नहीं लेता हूँ जो भी हो, क्यों अपना काम अपना ही होता है और करना भी चाहिए। और जो अपना काम खुद करता है और वो नीयत से करता है, तो काम भी ज़बरदस्त होता है और अच्छा होता है। तो बस अभी कपड़े इसी करते हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। सीना चेक कर रहे हैं, क्यों कितने मर्दी पंखे लगा लें, मगर जब इस्त्री के पास बंदा खड़ा होगा ना, तो पसीना लाजमी आएगा, तो गर्मी भी काफ़ी लगती है। तो कपड़े हमारे प्रेस हो चुके हैं, सिर्फ अब थोड़ा सा क्यों कल से मैंने लैपटॉप खोल के नहीं देखा कि चैनल की क्या सूरत हाल है,
तो वो देखते हैं, उस पर थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, सिर्फ देखनी है सूरत हाल क्या चलता है, किसी का कमेंट वगैरह। क्यों सुबह को मैं तकरीबन 5:30 या 6 बजे मैं इधर से चला जाता हूँ घर से, और क्यों पेपर 7 बजे शुरू होता है, 7 से 10 बजे तक का टाइम है, तो इसी वजह से जल्दी निकलना पड़ता है घर से भी, क्यों आगे कुछ सामान वगैरह सेट करना होता है, देखना होता है, कुछ चीज़ कम नहीं है, वो सब कुछ देखना पड़ता है उधर जाके, तो इसी वजह से जल्दी भी जाना पड़ता है। मौसम चेक करें कितना मज़े का हो रहा है, तो ये देखें बादल काफ़ी हो रहे हैं, रात भी तो हल्की हल्की सी बारिश आई थी, तो रात से मौसम बहुत ठंडा और मज़े का है, हर तरफ बादल ही हैं। ये देखें ये सुबह से भी ऐसे ही मौसम है, हवा चल रही है हल्की हल्की सी बहुत मज़े की, बारिश चेक करें कितनी तेज़ी से, कितने कितने बड़े जो होते हैं इसके कतरे से, कितनी तेज़ी से बारिश शुरू हुई है अचानक से। अभी हम भी एंजॉय करते हैं, ऊपर जाके नहाते हैं। ये देखें नन्नाबू की बहन से खड़ी हैं। किस्मत हमारी, मैं नहाने के लिए तैयार हुआ था तो बारिश रुक चुकी है, बहुत बुरा हुआ है, तो उम्मीद है आएगी, जब आएगी फिर देखेंगे। बस थोड़ा सा चिक्कड़ सा ही है ये पानी, और मौसम अभी भी बहुत खूबसूरत और मज़े का, और इधर से नीचे व्यू करवाता हूँ। ओए ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा गीला कर दिया है, हाँ जी हाँ जी। ये देखें बारिश काफ़ी आ चुकी है, ये देखें, और वो देखा सामने नहा रहे हैं आदमी भी, मैं भी नहाया हूँ। ये मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, मेहंदी लगी हुई थी और जो मेहंदी का कलर निकला बालों को बालों में से, तो उसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ये देखें तो अभी थोड़ी सी रुकी है बारिश, बहुत मज़ा आया नहाने में, बारिश तो बंद हो चुकी है, बस थोड़ी थोड़ी सी जो कतरे से आते हैं वो आ रहे हैं बारिश के, तो लाइट नहीं है, जैसे बारिश शुरू हुई थी लाइट चली गई थी, तो अभी कपड़े चेंज करने हैं, सुबह से इस्त्री करके रखे हुए हैं, बस मुझे बारिश का इंतज़ार था, मुझे लग रहा था कि आज बारिश आएगी, तो सो अल्लाह ने कुछ करम किया तो बारिश आई है, तो बस अब लाइट का इंतज़ार है, लाइट आएगी तो पानी भी ख़त्म हो रहा है टंकी में, वो गीले कपड़ों में उलझन सी हो रही है, ये सारे गीले हैं। ये देखें छत की सूरत हाल, मैं सबसे ऊपर आया हूँ, तो ये मौसम, सूरज भी दोबारा निकल चुका है बादलों में से और ये गरज रहे हैं अभी, बारिश होने से मंजर खूबसूरत हो जाता है, जो होता है अजीब सा माहौल बन जाता है और खूबसूरत भी लगता है, तो ये वक्ती तौर पर खूबसूरत लगता है लेकिन कल का दिन जो होगा ना हबस का होगा, बारिश होने के बाद जो अगले 2-3 दिन होते हैं वो काफ़ी हबस के होते हैं, ज़मीन अपना सेक निकालती है। अभी नहाया, असर की अजानें भी शुरू हो चुकी हैं, फ्रेश हो चुका हूँ, कपड़े भी बदल लिए हैं,
क्यों लाइट आ चुकी थी। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं असर की, तो उसके बाद कुछ देखते हैं, कहीं और जाने का मूड बनता है तो चलते हैं। क्यों बारिश की वजह से जो आसपास सड़कें हैं वहाँ पानी काफ़ी खड़ा हो चुका होगा, तो निकलना भी मुश्किल होगा। अभी मामू जी का कुछ काम है, मगरिब का टाइम होने वाला है, पहले तो नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की, फिर उसके बाद वो काम करेंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे कि क्या काम है। अभी उन्होंने ज़िम्मे लगाया, हमने कहीं बाहर जाना है बाज़ार में, तो वो साथ साथ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी आप दोस्तों को कि क्या लेने जाना है और क्या काम है। तो असर के बाद मेरा मूड था कहीं जाने का, मगर वो नहीं जा पाया, क्यों बारिश फिर दोबारा शुरू हुई थी थोड़ी सी और चिक्कड़ बहुत ज़्यादा है, पानी खड़ा है। शहर के माहौल का तो आप दोस्तों को पता होगा कि कैसा होता है, तो इस वजह से शहर में निकलना मुश्किल होता है, पानी जगह जगह पर खड़ा होता। तो अभी भी सोच रहे थे कैसे जाना है, क्यों चिक्कड़ काफ़ी है, तो सो अल्लाह खैर करेगा। अब काम है, जाना तो है, मामू साथ जाएंगे, मेरे छोटे एक मामू हैं वो साथ जाएंगे, क्यों काम बड़े मामू का है और साथ एक छोटे मामू जाएंगे। बारिश की वजह से रोड की खूबसूरती चेक करें, हमने ये टिक्के लेने थे तो काफ़ी टाइम लग गया टिक्के लेने में, तो अभी घर वापस जा रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे जाने में। ये सामान है हमारा, 2 छापरों में पैक है। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, शुरू में नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।